नमस्कार, आज हम स्टार्ट करते हैं बीएससी पार्ट वन पेपर सेकंड स्टीरियोकेमिस्ट्री। इसमें हम देखेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को देखने से पहले हम देखते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है। किसी यौगिक द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमा देना ऑप्टिकल एक्टिविटी कहलाती है। जैसे हम इसको इस तरह से समझेंगे, हम ये जानते हैं कि जो लाइट है उस लाइट की जो किरणें हैं वो चारों तरफ फैलती है, और जब उस लाइट के मार्ग में हम निकोल प्रिज्म रख देते हैं तो ये निकोल प्रिज्म इन लाइट की जो किरणें जो चारों दिशा में फैल रही है उसको एक दिशा में कर देती है। तो इस तरह से आप यहाँ देख रहे हैं केवल एक डायरेक्शन में ये किरणें हो गई। इस लाइट को हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जब इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट के मार्ग में हम कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड रख देते हैं तो ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो राइट हैंड साइड रोटेट करता है या इसको ये लेफ्ट हैंड साइड रोटेट करता है। तो इसीलिए हमने इसको कहा ऑप्टिकल एक्टिविटी, यानी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड जो होता है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट या लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करता है। इसके बाद हम देखेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन कि हम क्या होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसके अंतर्गत आने वाले समावयों की संरचना, भौतिक और रासायनिक गुण बिल्कुल समान होते हैं, लेकिन इनके प्रकाशिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। एक समावयी समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर यानी टुवर्ड्स राइट, जिसे हम कहते हैं घड़ी की सुई की दिशा में घुमा देता है, वह दक्षिण ध्रुवण घूर्णक या डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहलाता है। और दूसरा समावयी जो होता है वो उस समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर या जिसे कहते हैं टुवर्ड्स लेफ्ट घुमा देता है, या जिसे हम कहते हैं घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देता है, तो उसको हम वाम ध्रुवण घूर्णक या लेवो रोटेटरी कहते हैं। इन दोनों रूपों को हम डी एंड एल द्वारा या प्लस या माइनस साइन के द्वारा हम व्यक्त करते हैं। अब हम देखते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। जब डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लेवो रोटेटरी बराबर बराबर मात्रा में मिला देते हैं, यानी 50-50 प्रतिशत मिला देते हैं, तो जो मिश्रण का एक भाग होता है वो दूसरे भाग के प्रभाव को कैंसिल कर देता है यानी उसको नष्ट कर देता है। ऐसे मिश्रण को हम ऑप्टिकली इनएक्टिव मिश्रण कहते हैं, और इस मिश्रण को हम रेसिमिक मिक्सचर भी कहते हैं, जिसको हम डीएल या आर या हम इसको प्लस माइनस के द्वारा भी लिखते हैं। अब हम देखते हैं टर्म मॉलिक्यूलर किरैलिटी। यदि किसी अणु में सममिति तत्व में दो कोई रूप भी मौजूद तत्व मौजूद हो तो वह अणु सममित हो जाता है। मतलब कोई सा भी एक तत्व मौजूद होने पर वह सममित हो जाता है। सममित अणु में कोई प्रकाशिक गुण नहीं पाया जाता है। यदि एक भी तत्व हो तो वह अणु असममित हो जाता है, यानी अगर सममिति तत्व नहीं है तो वह अणु असममित हो जाता है। असममित अणु अपने दर्पण प्रतिबिंब के साथ अध्यारोपित नहीं होता है। ऐसे अणु को हम किरैल अणु कहते हैं, और उनमें उसके इस गुण को किरैलिटी कहते हैं। ऐसे यौगिक प्रकाशिक गुण रखते हैं, उनमें प्रकाशिक समावयता देखने को मिलती है। जो किरैल शब्द है वो ग्रीक शब्द से आया है, उसका अर्थ है हाथ। जिस तरह से एक हाथ दूसरे हाथ पर अध्यारोपित नहीं होता है, तो इसीलिए यहाँ पर हम इसको मॉलिक्यूलर किरैलिटी कहते हैं। अब हम देखते हैं स्टीरियोजेनिक सेंटर। कार्बनिक यौगिक में स्टीरियोजेनिक या किरैल सेंटर उस कार्बन परमाणु के को कहा जाता है जिसके कारण से अणु में प्रकाशिक गुण उत्पन्न होते हैं, यानी असममित कार्बन परमाणु को
हम जिस पर कि हम स्टार लगाते हैं स्टीरियोजेनिक सेंटर कहते हैं। यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, टू ब्यूटेनॉल का जहाँ पर आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस टू ब्यूटेनॉल में सेंटर में कार्बन है। इस कार्बन से राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं OH अटैच्ड है, लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन, अपर साइड में CH3 एंड लोअर साइड में हमने देखा C2H5 जुड़ा हुआ है। तो ये सेंटर वाला कार्बन परमाणु है, ये क्योंकि ये असममित कार्बन है जिस पर कि चार अलग अलग ग्रुप या एटम अटैच्ड है, इसलिए इस सेंटर को हम किरेल सेंटर या स्टीरियोजेनिक सेंटर कहते हैं। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनान्शियोमर्स यानी प्रतिबिंब रूप के क्या क्या गुण हैं। पहली प्रॉपर्टी है इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट समान होते हैं, और ये एनान्शियोमर्स की सॉल्युबिलिटी भी समान होती है, और इन एनान्शियोमर्स में हमने जो है इनमें स्मेल जो है वो अलग अलग देखने को मिलती है, और इनकी जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ है वो समान होती है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर राइट हैंड साइड में रोटेट करता है तो दूसरा रूप जो होता है वो उसकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट करता है। अब हम देखते हैं किरेल एंड अकिरेल मॉलिक्यूल्स विथ टू स्टीरियोजेनिक सेंटर, और इसके भी दो टाइप हम देखेंगे। पहला है दो समान स्टीरियोजेनिक सेंटर वाले अणु, जिसका एग्जांपल है पहला टार्ट्रिक एसिड। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये टार्ट्रिक एसिड का फॉर्मूला लिखा हुआ है। ये टार्ट्रिक एसिड चार रूपों में हम इसको दर्शा सकते हैं। देखिए ये जो चार रूप यहाँ पर हमने लिखे हैं, स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर 2, स्ट्रक्चर नंबर 3 एंड स्ट्रक्चर नंबर 4। स्ट्रक्चर नंबर 1 जो हमने लिखा, उस स्ट्रक्चर नंबर 1 का जो प्रतिबिंब रूप है जो एनान्शियोमर है वो स्ट्रक्चर नंबर 2 है। यानी अगर स्ट्रक्चर नंबर 1 डी फॉर्म है तो स्ट्रक्चर नंबर 2 एल फॉर्म है। इसको हम किरेल मॉलिक्यूल कहते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 3 और स्ट्रक्चर नंबर 4 ये भी एक दूसरे के एनान्शियोमर है, यानी ये एक फॉर्म दूसरे फॉर्म का एनान्शियोमर है, लेकिन ये फॉर्म जो है ये मीजो फॉर्म है। क्यों? क्योंकि जब हम नंबर 3 को 180 डिग्री पर रोटेट करेंगे तो ये नंबर 4 स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। यानी इस मॉलिक्यूल में हमें इंटरनल कंपनसेशन के कारण ये मॉलिक्यूल अकिरेल मॉलिक्यूल हो जाता है। तो कुल मिला के टार्ट्रिक एसिड में हमें चार रूप देखने को मिलता है। पहला रूप है डी टार्ट्रिक एसिड यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यानी जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट हैंड साइड में घुमाता है। दूसरा रूप है एल टार्ट्रिक एसिड या जिसे हम माइनस फॉर्म भी कहते हैं, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट करता है। तीसरा डी और एल फॉर्म का रेसिमिक मिक्सचर जिसको हम डी एल फॉर्म कहते हैं, जिसका कि एक्सटर्नल कंपनसेशन से हमें ये रूप देखने को मिलता है। 50% हमने ये वाला और 50% ये वाला मिक्स किया डी और एल तो हमें रेसिमिक मिक्सचर मिलता है। चौथा रूप है इसका मीजो टार्ट्रिक एसिड, जो अभी हमने देखा कि जब हम इसने इसको थर्ड फॉर्म को हमने 180 पर रोटेट किया तो हमें चौथा रूप देखने को मिला। तो इसलिए ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, इसमें इंटरनल कंपनसेशन के द्वारा एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है और इस रूप को हम मीजो टार्ट्रिक एसिड कहते हैं। अब हम दूसरा रूप देखेंगे, कंपाउंड कंटेनिंग टू डिफरेंट स्टीरियोजेनिक सेंटर, जो इसका एग्जांपल इन इस तरह के कंपाउंड में हम देखेंगे डाई स्टीरियो आइसोमेरिज, थ्रियोफॉर्म, इरिथ्रियोफॉर्म, डाई स्टीरियो आइसोमेरिज। यानी इस तरह के जो आइसोमेरिज्म हैं इनके प्रकाशिक समावी जो परस्पर एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते हैं,
विवरीम समावयी या डाई स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। इस प्रकार के जो विवरीम आइसोमेरिज्म हैं वो इस प्रकार के जो प्रतिबिंब रूपी होते हैं, आइसो प्रकाशिक समावयी होते हैं, इनमें जो संबंध होता है वो विवरीम समावयता कहलाती है। तो आप इसका एग्जांपल यहाँ पर हमने ये डायग्राम में ये एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल में आप देखिए ये एग्जांपल नंबर 1 कंपाउंड जिसका नाम है 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेनोइक एसिड। इसमें 2 किरेल सेंटर है, दोनों किरेल सेंटर जो है वो डिफरेंट है। ऊपर वाले कार्बन पे जुड़ा हुआ है HCOOHBr एंड CHCS3Br और नीचे वाले पे डिफरेंट ग्रुप जुड़ा हुआ है। इस कंपाउंड का ये फर्स्ट और इसका जो प्रतिबिंब रूप है वो सेकंड है। इसी तरह से इस कंपाउंड को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, जो थर्ड आप देख रहे हैं है ना, Br हमने अपोजिट साइड लिख दिया और इसका प्रतिबिंब रूप स्ट्रक्चर नंबर 4 हो गया। ठीक है, तो स्ट्रक्चर नंबर 1 स्ट्रक्चर नंबर 3 का विवरीम समावयी है और स्ट्रक्चर नंबर 2 स्ट्रक्चर नंबर 4 का विवरीम समावयी है। यानी स्ट्रक्चर नंबर 1 और 3 के प्रकाशिक गुण भिन्न हैं और 2 और 4 के प्रकाशिक गुण भिन्न हैं। यानी प्रतिबिंब रूपों के भौतिक और रासायनिक गुण तो समान होते हैं लेकिन इनके प्रकाशिक गुण समान और विपरीत होते हैं। किंतु विवरीम समावयी के जो भौतिक और रासायनिक गुण में भी अंतर होता है और इनके जो प्रकाशिक गुण हैं वो भी भिन्न होते हैं। इन प्रतिबिंब रूपों में कार्बन अणुओं में दो समूह समान है जबकि इनका तीसरा समूह भिन्न प्रकृति का है। ऐसे प्रतिबिंब रूपों के जिन जोड़ों के समान समूह एक ही दिशा में होते हैं उनको हम एरिथ्रोपेयर कहते हैं और जबकि अगर ये जोड़े विपरीत दिशा में होते हैं तो इनको हम थ्रियोपेयर कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर इस डायग्राम में देख रहे हैं, इस डायग्राम में देखिए यहाँ ये स्ट्रक्चर नंबर 1 इसमें CH3 के साथ Cl जुड़ा हुआ है और ये CH3 के साथ Cl है और नीचे और साइड में H है। ठीक है, ये इस ऊपर वाले कार्बन में देखिए CH3 H और Cl, फिर HCH3Cl। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो अणु हैं समान समूह यानी H और CH3 ये एक ही दिशा में हैं और इसलिए इनको हम एरिथ्रो एनांशियोमर्स कहेंगे। यहाँ पर H और CH3 ये विपरीत दिशा में हैं इसलिए हम इनको थ्रियो एनांशियोमर कहते हैं। इस तरह से यदि किसी यौगिक में विभिन्न असममित कार्बन परमाणुओं की संख्या n हो तो प्रत्येक कुल ध्रुवण गुणक रूपों की संख्या 2n होती है। यह वांड्सहॉफ सूत्र कहलाता है। यदि असममित कार्बन परमाणु 2 हो तो ध्रुवण गुणक रूपों की संख्या 2 यानी 4 होगी और यदि इसके ध्रुवण असममित कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 है तो फिर ध्रुवण गुणकों की संख्या 6 होगी। इस तरह से हम इस फॉर्मूला से ध्रुवण गुणक रूप की हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इन विवरीम समावयों की विवरीम को हम विवरीम समावयी कहा जाता है जो परस्पर प्रतिबिंब रूपी नहीं होते।